नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्वनी बसन। दोस्तों अभी रात के 10 बज रहे हैं और हम अभी पशु मालिक के घर पहुंचे हैं, क्योंकि इनके साथ पिछले काफ़ी देर से हम जुड़े हुए हैं और इनकी ये जो गाय है इसको आज हमने फॉलो अप ट्रीटमेंट देना है। इसको पहले एक बीमारी हुई थी जिसको हम एनाप्लाज्मोसिस बोलते हैं, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ब्लड में रहता है और पशु का जो ब्लड है वो कम होना स्टार्ट होता है, पशु वीक हो जाता है, दूध पूरी तरह से कम हो जाता है और पशु चारा खाना भी बंद कर देता है। तो उस बीमारी से इस गाय को हमने छुटकारा दिलवाया है, अच्छा ट्रीटमेंट किया है और अब वो बीमारी को ये गाय छोड़ चुकी है, अच्छी तरह से चारा भी खा रही है। दोस्तों जो गाय आप वीडियो में देख रहे हैं इसको मैस्टाइटिस हुई थी, अंडर फाइब्रोसिस भी थी, जो इसकी लिवटी थी वो सख्त थी पत्थर की तरह और एक थन पूरी तरह से बंद हो चुका था, उसमें से दूध नहीं आ रहा था। तो कल हमने इसका इलाज स्टार्ट किया था तो आज हम इसको फॉलो अप करने आए हैं, क्योंकि जब तक आप केस को फॉलो नहीं करेंगे आपका जो फील्ड में रिज़ल्ट है वो सही तरीके से नहीं आ सकता। तो हम केस को 3 से 5 दिन तक फॉलो अप देते हैं, तो इसलिए इस केस को हमने आज ट्रीटमेंट देना था, हमें टाइम हो चुका था, लेकिन एज ए वेटनेरियन हम जिम्मेवारी से काम करते हैं। तो अभी हम पशु मालिक के घर पहुँचे हैं क्योंकि हमें रिस्पांस मिला है कि जो हमने कल ट्रीटमेंट किया था उससे इस गाय को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आपको मैं बता दूं कि इसका जो इस साइड की लिवटी थी ये वाली, ये कल यहाँ तक इसको स्वेलिंग थी, सूजन थी, तो आज आप देखिए जो स्वेलिंग है वो पूरी तरह से कम हो चुकी है और जो थन है वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। कल इसका एक ही थन दिखाई दे रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सूजन थी और थन में से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो थन में से जो मोटा दूध है वो बाहर आ रहा है, वो आगे आपको वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आज हम दूसरे दिन इसका इलाज स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने जो एंटीबायोटिक इसको लगाई थी वो सेफ्ट्राइज़ोन और सलबेक्टम साल्ट की जो एंटीबायोटिक है वो हमने दी थी। ये इंजेक्शन है 4.5 ग्राम, ये हमने इसको आईवी रूट से कल दिया था। इसके साथ हमने फ्लुनिक्सिन मैग्लूमाइन जो इंजेक्शन आता है उसको हमने हाई डोज में 20 ml आईवी रूट से इसको दिया था, साथ में एंटी हिस्टामिनिक और साथ में हमने इसको आइसोफ्लुपेरिडोन दिया था। उसकी एग्जैक्ट जो डोज रहती है मैस्टाइटिस में वही हमने इसको दी थी और आज अच्छे रिज़ल्ट हमें देखने को मिले हैं। तो आज दूसरा दिन है, रात के 10 बजे हैं, इसका हम फॉलोअप करेंगे। हमने जो इसका ट्रीटमेंट है वो जो पेरेंटल एंटीबायोटिक है वो हमने इसको दी है एंटीबायोटिक, और जो एनाल्जेसिक है वो हमने आईवी रूट से दिया है और एंटी हिस्टामिनिक इंट्रामस्कुलर रूट से दिया है, क्योंकि एक थन जो है वो अफेक्टेड है। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में हमारे किसान भाई और पशुपालक भाइयों को बताता हूँ कि जब किसी भी गाय का एक थन बंद होता है तो आप उसमें इंट्रा मेमोरी इन्फ्यूज़न का यूज़ करिए। तो अभी हम इसको इंट्रा मेमोरी इन्फ्यूज़न डालेंगे, तो आप देखिए किस तरह से वो हम इंसर्ट करते हैं। काफ़ी अच्छी मेडिसिन है और इसके भी रिज़ल्ट फील्ड में हमारे अच्छे आ रहे हैं। दोस्तों अभी आप देखिए ये वो थन था और इसके अंदर से अभी जो पतला दूध है वो निकलना स्टार्ट हो चुका है। कल थन पूरी तरह से बंद था, इसमें से कुछ नहीं आ रहा था, तो इसलिए आज हम इसको इंट्रा मेमोरी इन्फ्यूज़न डालेंगे एंटीबायोटिक के साथ, ताकि जो रिस्पांस है, जो इन्फेक्शन है वो जल्दी ठीक हो। दोस्तों जो इंट्रा मेमोरी ट्यूब हम यूज़ करेंगे वो ये है, मेमिटॉल
पीएनसी, इसमें एंटीबायोटिक भी है और साथ में प्रेडनिसोलोन है। इसके जो रिज़ल्ट हैं वो हमें अच्छे मिले हैं फील्ड में, तो इसलिए हम इसको इंट्रामेमरी इन्फ्यूज़न ठंड में डालेंगे। दोस्तों इसके साथ स्टराइल स्वैब आता है, तो इसको हम इस तरह से निकालेंगे बाहर। तो इस थन को हम पहले अच्छी तरह से, जो थन की टिप है उसको इस तरह से साफ करेंगे ताकि किसी भी तरह की इन्फेक्शन थन के टिप में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये हमारी जो ट्यूब है इसके नोज़ल को हम इस तरह से उतारेंगे और थन के अंदर इस तरह से ये जो ट्यूब है वो हम इंसर्ट कर देंगे। आप देखिए जो ट्यूब है वो, उसका जो नोज़ल है वो थन के अंदर जा चुका है। अब हमने जो ट्यूब है उसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाना है और नीचे से जो प्लंजर है उसको इस तरह से हमने पुश कर देना है, जो मेडिसिन है वो पूरी थन के अंदर चली जाएगी। आप देखिए जो दवाई है वो थन के अंदर जा चुकी है। उसके बाद जेंटल वे में आपने ट्यूब को बाहर निकाल लेना है। तो ये आपने ट्रीटमेंट मिनिमम 3 दिन करना है और मैक्सिमम 5 दिन करना है। जैसे कि हमने पहले दिन ट्रीटमेंट किया था तो हमें आज रिज़ल्ट मिले हैं, आज दूसरा दिन है, कल हम देखेंगे अगर किसी भी तरह की कोई इसमें कमी बची होगी तो हम तीसरे दिन में इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो आप देखिए अभी जो स्वेलिंग है वो पहले यहाँ तक थी, अब 50% जो स्वेलिंग है वो कम हो चुकी है। तो दोस्तों आपने देखा कि टाइम की परवाह किए बिना 24 घंटे जो सर्विस है वो हम पशु मालिक को देते हैं। कभी भी अगर उनका जानवर बीमार हो जाता है रात को दिन को, हमारा जो फ़ोन नंबर है वो हमेशा ऑन रहता है। किसी भी तरह की इमरजेंसी हो जाती है, कोई भी परेशानी हो जाती है, हम तुरंत ही पशु मालिक के घर पहुंच जाते हैं ताकि उसके पशु को हम अच्छा इलाज दे सकें और उसको अगर कोई बीमारी लगी है तो उसका जल्दी हल निकल सके। तो आप देखिए कि अभी हमने इसको ट्रीटमेंट दे दिया है। तो आपने देखा कि हमने आज फॉलोअप करना था लेकिन हम दूसरे दिन रात को पशु मालिक के घर पहुँचे हैं ताकि उसकी गाय को जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो कंटिन्यू हो सके, उसमें गैप ना आए। तो जब तक आप पूरी तरह से किसी पशु को ट्रीटमेंट नहीं देंगे आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आप देखिए किस तरह से हमने इसका इलाज किया है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब पक्का करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर तरह की जो प्रैक्टिकल वीडियो होती है, जो प्रैक्टिकल केस हम फील्ड में देखते हैं वो देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।